माई चैनल। तो आज बना रहे हैं हम इसमें एक राइस मतलब हम लोग में बोलते हैं कोलंबी का भात बोलते हैं, जिसमें प्रॉन्स डाल के इसको बनाते हैं। आलू है, प्रॉन्स है। तो इसमें मैंने 150 रुपीज के प्रॉन्स है, ये आप देख सकते हो। साफ करके इसको मैंने हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट करके रख दिया था। दो आलू लिए हैं मैंने, और ये मैंने चार मीडियम साइज के अनियन लिए हैं, और ये मिक्सर जार में दो टमाटर है, ग्रीन चिलीज है 6, धनिया है और लहसुन है और अदरक है। तो मैं अब इसको पीसूंगी। इस तरह से पीसा है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। मैंने आपको बताया जैसे 150 का, इसमें मैंने दो आलू लिए हैं क्योंकि मेरे पास आलू कम थे, तो दो ही थे इसके लिए दो ले लिया, और ज़्यादा भी डाल सकते हो। 3 to 4 मीडियम साइज अनियन है। ये जो मैंने मसाला बनाया है ग्रीन कलर का, इसमें धनिया है मुट्ठी भर, ग्रीन चिलीज है 6 to 7, और दो टमाटर है मीडियम साइज, अदरक है इतनी 1 इंच अदरक, और लहसुन है 7 to 8 क्लोव्स, और ये जो है हमारा तेज पत्ता, ये सब ड्राई मसाले जो मैं ऑयल डाल के पहले डालूंगी भात बनाने के लिए, प्रॉन्स भात। तो ये देखिए आप, इसमें इलायची है, दालचीनी है, लवंग है, और ये अपना क्या काली मिरी है, थोड़ा सा जीरा है, और तेज पत्ता है। ये सब ड्राई मसाले हैं। इसमें मैंने राइस रखे हैं, भिगो के रखे हैं। ये मेरा बर्तन है, आप देख सकते हो, इसमें मैं आज बनाने वाली हूँ राइस। तो पहले हम डालेंगे इसमें, तो मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल हीट होने के लिए। ऑलरेडी ये गरम था, ये कास्ट आयरन का बर्तन है, इसमें चीज़ें बहुत गर्म हो जाती है फास्ट, तुरंत अच्छा है। ये 1 pot मील बनाने के लिए, करी भी बना सकते हैं आप इसमें। सो ये ड्राई जो मसाले, खड़े मसाले, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए अच्छे से, थोड़े हम इसको तड़ने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। इसमें हम डाल देंगे अभी अनियन आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो, ऐसे लॉन्ग करके भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हैं जिस भी तरीके से आपको डालना है। अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। अनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसी दौरान मैं डालूंगी इसमें अपना पोटैटो, ओके, और इसको थोड़ा देर फ्राई होना है। ये जल्दी पक जाते हैं ये बर्तन में, ये खासियत है ये बर्तन की, ठीक है। और इसके साथ में अब मैं डाल दूंगी ये जो ग्रीन कलर ने डाल दिया इसमें ग्रीन मसाला, अब देख सकते हो अच्छे से, पोटैटो ग्रीन मसाला, और अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे। प्रॉन्स भात है, ये बहुत इजीली बन जाता है। यही टाइम पे मैं डालूंगी इसमें हल्दी, और इसको वापस से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हो अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। यही दौरान आप इसमें नमक डाल सकते हैं स्वाद अनुसार जितना ये लगता है, मसाला जल्दी पक जाएगा। Thank you.
अब इसमें डाल दूंगी मैं प्रॉन्स, मैरिनेटेड प्रॉन्स। दो मिनट से इसको फ्राई होने दीजिए, मसाला जल नहीं जाए करके मिक्सर में जो नीचे का मसाला का पानी था वो भी डाल दिया। मैं देख सकते आप मैं डालूंगी अपना घर का मसाला पिसा हुआ, अच्छा टेस्ट आता है इससे। ट्राई से ये डाल देंगे इसमें, अच्छे से धो के सोक करके रख दिए हैं, ये भी डाल देंगे। नमक देख लेना है, पानी डालना है करके, जो नमक डालेंगे तो इसमें मैं अभी बॉईल होने के लिए डाल दूंगी पानी, राइस अच्छे से बॉईल हो जाए। प्रॉन्स को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना पानी आप डालोगे तो उसके बाद तुरंत पकेगा, देख सकते हो आप अच्छे से। इसमें आप टेस्ट कर सकते हो नमक कम है ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो बस हो गया मेरा नमक, थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी, अच्छा भी लग रहा है मुझे तो मैं कुछ इसमें ज्यादा ऐड नहीं करूंगी, बस हो गया। और इसको अच्छे से बॉईल आ चुका है और हम अब इसको रखेंगे ढक के मीडियम फ्लेम पे, तब तक जब तक चावल नहीं पकेंगे। ओके बाय। मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब हम देखते हैं इसे खोल के क्या हो रहा है अंदर। अभी ये हाफ पक चुका है, इसको दम देना है। ओके अच्छे से देखिए कितना अच्छे से गर्म हो रहा है, हाफ पक चुका है, वापस इसको 10 मिनट के लिए। चलिए अभी देखती हूँ मैं हमारा भात बन चुका है या नहीं। वाह अच्छे से बन चुका है, इसमें मैं डालूंगी। देखिए प्रॉन्स भी अच्छे से पक चुके हैं, आई होप पोटैटो भी पका है, यस पोटैटो भी पक चुका है, देखिए वाओ। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ नमक बन।